अधिकतर लोग बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए करते हैं अलग अलग टोटके। जी हाँ, ऐसा ही एक टोटका है, घर में बाहर काले जूते को टांग देने से बुरी नजर से घर को बचाया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूँ सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। अधिकतर लोग बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए तरह तरह के उपाय और टोटके अपनाते हैं। कई लोग घर के बाहर काले रंग का जूता टांगते हैं। माना जाता है कि इस टोटके से बुरी नजर नहीं लगती है, इसे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। इस पर वृंदावन के पूजनीय श्री प्रेमानंद महाराज जी क्या कहते हैं, हम आपको बताएंगे कि घर के बाहर काला जूता टांगने से क्या होता है। उनके अनुसार हम आपको बताते हैं, प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार बुरी नजर और बलाओं से बचने के लिए लोग अक्सर अपने घर के बाहर काले रंग के जूते को उल्टा करके टांग देते हैं। हालांकि जूता टांगना इस तरह की समस्याओं का कोई हल नहीं है। अपने घर के बाहर जूता टांगने की जगह भगवान की तस्वीर लगाना ज्यादा अच्छा उपाय माना जाएगा। प्रेमानंद महाराज जी के अनुसार घर के बाहर काला जूता टांगना एक बचकाना उपाय है, इससे समय की बर्बादी होती है और यह उपाय किसी भी तरह आपके काम नहीं आ सकता है, या साथ ही कह सकते हैं कि यह एक अंधविश्वास है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि अगर हमारे कर्म और विचार अच्छे हैं, हम ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं, तो दुनिया की नकारात्मक शक्तियाँ, टोटके और बलाएं हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हैं। वहीं प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार हमें अपने जीवन में अपनी क्षमता इन व्यर्थ के टोटकों पर लगाने की जगह अपने कर्म और ईश्वर की भक्ति पर लगानी चाहिए, इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। प्रेमानंद जी महाराज के उपदेशों से आज की युवा पीढ़ी धर्म के मार्ग पर चल रही है। वहीं महाराज जी आज की युवा पीढ़ी के लिए एक डूबते हुए सागर में तिनके के समान, सहारे के समान साबित हुए हैं। जो युवा गलत आचरणों को त्यागने के लिए और भगवान की शरणागति में आने के लिए युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल को। तब तक के लिए धन्यवाद।